उन्होंने पूछा, तब मैंने बताया तो ये सामने खड़े थे, तब पता चला इसको कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और 5 मंथ हो चुके हैं, और मैंने इसको बताया नहीं। तो ये मेरे से बोलने लगा कि तुम्हें ये बात भी मेरे से छुपाई, ये बात भी नहीं बता सकती क्या? दोस्त ये वीडियो नहीं बना देती, ये काम ही नहीं करने देती। क्या है बुबू? हाँ क्या है ये? क्या है? हाँ कितना क्रीम लगाएगी? चलो जाओ। तो फिर कर क्या रही है लड़की? हेलो क्या कर रही? खुद क्या लगा रही है? तो फिर दोस्तों वहाँ पे भी मैंने एक बार सोचा कि पुलिस को बुला दूँ, पर मैंने फिर भाई को फ़ोन किया। मैंने भाई को बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, तो वो बोले कि हॉस्पिटल ही आ रहे हैं हम लोग लेने के लिए। ये भाई से डरता है। तो क्या है? जाओ भाग जाओ। तो इसमें क्या करी वो? इसने वहाँ पे रोने रोने का नाटक किया कि अब नहीं, मतलब कि मैंने ये जानबूझ के नहीं किया, और तुमने मेरे बेबी के बारे में भी नहीं बताया। मैं आप सही से रखूँगा, बच्चे का भी ध्यान रखूँगा, बुबू का भी ध्यान रखूँगा, और आगे से कुछ भी गलतियाँ नहीं करूँगा, ऐसे बोल के मेरे को। मतलब फिर भी मैं घर नहीं जा रही थी। बहुत बहस होने के बाद भी मैं बोली चल ठीक है, चली जाती हूँ, अगर सुधर जाता है एक मौका दे के देखती हूँ। और मैंने इसको यही बोला कि ये तेरा लास्ट मौका है, उसके बाद मैं मौका नहीं दूँगी एक भी, उसके बाद मैं सीधा केस करूँगी आप लोगों पर, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। इस हद तक दुखी नहीं हो सकती, इंसान कितना झेले? 3 साल से झेल रही हूँ दोस्तों, आप ही लोग बताओ कि मैं कितना झेलूँ। पहले जब बुबू पेट में थी तो उस टाइम मेरे को इतना टॉर्चर किया, गला दबा देना, करेंट से चिपकाना, करेंट के झटके तक दिए गए थे मेरे को उस टाइम। और ऊपर से जब बुबू हुई उसके बाद भी इन लोगों ने मेरे को मतलब चैन से नहीं रहने दिया। होने के 10-15 दिन बाद ही मारपीट करी थी, ये सब किया था। और खुद मेरा पति जब ऐसा है तो मैं ससुराल वालों को क्या कहूँ? ससुराल वाले तो किसी के भी शायद ठीक ही नहीं होते होंगे। कोई कोई होता होगा जिनको अच्छा परिवार मिल जाता होगा, नहीं तो माँ चाहती है कि बेटा उसकी तरफ रहे, बहू की नहीं सुने। तो यहाँ तो मेरा पति ही गलत था और गलत है भी, और अब देखते हैं कि सुधर गया हूँ बोलता है तो कितना सुधरा है ये भी देखना चाहती हूँ मैं। इसको बस ये लास्ट मौका दे रही हूँ, उसके बाद मैं दूंगी नहीं मौका, तो उसके बाद मैं मेरे घर रहूँगी। क्योंकि मम्मी ने भी बोल दिया कि हमें डर लगता है ये कुछ भी कर देगा, तेरा अब एक्सीडेंट भी हो गया। हाँ बेटा बैठ के बैठ जाइए यहाँ पे, देख वीडियो बन रहा है, वीडियो देख, ये मेरा बेबू देख, दिख रहा है इसमें बेबू। फिर मैं उसके बाद मौका भी नहीं दूंगी, क्योंकि मेरी मम्मी को भी डर है कि मेरे को कुछ कर देंगे ये लोग, है ना। और इसकी भाभी तो पता नहीं इसको खिला रखा है कुछ या क्या वसीकरण करवा रखा है, भगवान जाने, जो ये उसके सारे पे नाचता रहता है। और अभी मेरे को पता नहीं क्यों डाउट है कि ये अभी बात करता है, अभी बात करता है, और मतलब हाँ मेरे को ठीक से रख रहे हैं। क्योंकि अगर लड़का हुआ तो आप लोगों को पता है राजस्थान में ज़्यादा तो लड़कों को ही मानते हैं, और अगर लड़का होता है तो ये है कि इनको फिर कुआं पूजन करवाना पड़ेगा और उसमें घर फैमिली को आना पड़ेगा, मेरी फैमिली को। तो मेरी फैमिली तो मुश्किल ही आएगी इनके घर में जो चीज़ें इन लोगों ने करी हो इसके बाद। लेकिन ये सोच रहे हैं कि अगर हम लोग ढंग से रखेंगे इसको तो इसकी फैमिली आएगी, और जो भी लेन देन होता आपको पता है राजस्थान में तो पैसों की ना बात ही नहीं होती लड़कियों की। तो यहाँ तो यही हाल है, बिना पैसों का तो कुछ ही नहीं होता। और गुब्बू तो लड़की थी, तो लड़की के टाइम तो लोगों ने सोचा कि कुआं पूजन हो चाहे मत हो, इसको मरवा देते हैं, रास्ते से हटा देते हैं, सारा पैसा हमारा भी, इसका पति जो कमाता वो सब चीज़ हम लोगों को मिल जाएगा। ये सब सोच के इन लोगों ने मेरे को मारने की प्लानिंग करी थी उस टाइम। और अब जो एक्सीडेंट हुआ उसमें भी मेरे को डाउट है कि इसने जानबूझ के किए, पर देखते हैं अगर ये बोल रहा है कि हाँ भाई गलती से हुई है। क्योंकि इसने एक चीज़ झूठ बोली कि गाड़ी आ रहा था,
और उसकी रोशनी भी नहीं दिखा, जबकि गाड़ी नहीं आ रही, क्योंकि गाड़ी उस साइड से आ ही नहीं रही थी, हम जिस साइड से जा रहे थे उस साइड से। तो ये चीज़ तो इसने सरासर झूठ बोली है। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि बुरा करने वाला कितना ही बुरा करे, बचाने वाला वो ऊपर वाला है। जब तक वो नहीं चाहेगा, कोई मार नहीं सकता। तो मैं भी बच गई, मेरी बेटी भी बच गई, और मेरे पेट में जो बच्चा है वो भी सही सलामत है। तो मैं तो यही जानती हूँ कि इन लोगों ने कितना भी बुरा किया हो, कुछ भी किया हो, मारने की कोशिश तक कर ली हो, लेकिन ऊपर जो है ना भगवान, उसने मेरा हमेशा साथ दिया है। और पिछली बार भी गुब्बू के टाइम भी, जब गुब्बू हो गई थी उसके बाद भी इन लोगों ने जो मारने की कोशिश की थी, मेरी सांस रुक गई थी, तभी मैं बच गई थी। और अब जब एक्सीडेंट हुआ तभी हम मुझे और गुब्बू को कुछ भी हो सकता था, लेकिन गुब्बू को बस इतनी सी चोट आई यहाँ पे, है ना, क्योंकि मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा था जब गिरी तो। और गुब्बू पैर खिलाने की वीडियो बना दूँगी मैं, तो इसको बस इतनी सी चोट आई यहाँ पे, इसको बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ मेरी बेटी को। तो मैं तो ऊपर वालों का शुक्रिया करती हूँ कि मेरी बच्ची को चोट नहीं आई। हाँ, मेरे को चोट आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, यहाँ पे अंदरूनी चोट है जो कि दर्द करता है, और यहाँ पे आई है, यहाँ इस ये हाथ है, ये अपने आप में उठता दर्द हो रहा है इसमें, क्योंकि दर्द है बहुत ज़्यादा। और अगर आप लोगों को दर्द पता हो कि ये दर्द कैसे चला जाएगा तो बताना मेरे को, क्योंकि मैं अभी दवाई नहीं ले सकती प्रेगनेंसी की वजह से ज़्यादा, और उससे क्या है गुब्बू, क्योंकि उससे बच्चे को नुकसान भी हो सकता है, इसलिए दवाई नहीं दिया गया मेरे को, वही नहीं दिया था दवाई तो जब इलाज हुआ तो। और इंजेक्शन इंजेक्शन भी नहीं लगे, बस दवाई लगाने वाली ही दिया था तो वो लगा लिया मैंने, घाव भर गया है लेकिन दर्द है साथ में। तो अगर आप लोगों को पता हो कि किसी तरह से दर्द ठीक हो जाएगा तो बताना जरूर आप लोग, है ना। और बस इतना ही, आप लोग सपोर्ट करना दोस्तों, क्योंकि मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत है और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। हाँ, मुझे कल का भी नहीं पता कि कल को क्या हो, कल को फिर भी फिर इसका पापा कहीं परेशान ना करने लग जाए। हाँ, मैं अभी यहाँ आई हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर सामान मेरा है इस रूम में, तो अगर ये कुछ करता है तो भी मैं मेरे सामान को लेके यहाँ से जाना चाहूँगी। बट हाँ, देखते हैं, अगर ये सही से रखता है, रिश्ते को नहीं सुधारना चाहता, हर कोई सुधारना चाहता है, जिनका डिवोर्स तक रिश्ता पहुंच गया है वो भी चाहते हैं कि बच्चों को बाप का प्यार मिले, है ना, बच्चों को बाप का प्यार मिले। और हाँ बेटा, बच्चों को बाप का, बैठ नीचे बैठ, ये मेरी बेटी है ना दोस्तों, ये वीडियो नहीं बनाने देती, ये चिंता है। तो रिश्ते तो हर कोई सुधारना चाहता है दोस्तों, आप लोगों को भी पता है कि पति कैसा भी रहे, है ना, सब चाहते हैं कि अपने बच्चे को बाप का प्यार मिले। मैं भी चाहती हूँ कि हाँ चलो, अगर मुझे थोड़ा सा भी अगर चाहता है तो रिश्ते सही हो जाए तो हो जाए रिश्ते सही, क्योंकि मैं बिगाड़ना नहीं चाहती। ले आना नीचे जाके, यहाँ पे तो उनसे खेलने डैडी भी ऐसे खेलते हैं। दोस्तों रिश्ता तो सुधारना चाहता है, मैं भी चाहती हूँ कि रिश्ते सुधर जाए। और अगर ये थोड़ा सा भी दिल में सोच के मुझे लेके आया कि सुधर जाए रिश्ते, पापा के पास है तेरा बोल, वहाँ है, वहाँ पे लिया जा बाथरूम में। तो दोस्तों ये वीडियो नहीं बनाने देती है, क्या करूँ मैं, हाँ
तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करना है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छी लगे तो, और वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, है ना। और मेरी स्टोरी तो आप लोगों ने देखी ली होगी, जिन्होंने नहीं देखी वो स्टोरी भी देख सकता है, मेरी लाइफ जर्नी कैसी रही है, मेरी स्टोरी कैसी है और क्या क्या हुआ है लाइफ में, वो स्टोरी बना के डाल रखी है मैंने, और तो वो देख लेना आप, आगे जो होता वो अपडेट देती रहूँगी। और आशा करती हूँ कि लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए, नॉर्मल हो जाए, हस्बैंड जो सुधर जाए, दिल के पूरे नहीं है वो, ऐसे थे भी नहीं, पर पता नहीं ऐसा क्या हुआ या उस औरत ने ऐसा क्या किया या घर वालों ने इसको कैसे अपने बस में किया, किस तरह से जो ये ऐसा हो गया। तो बस आशा करती हूँ कि ठीक हो जाए सब कुछ, और आप लोग सपोर्ट करना दोस्तों, थैंक यू सो मच, बड़ी हो गई।